नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु के एक और खास एडिशन में। और आज हम चर्चा करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पर। देश में करीब 90% लोग इंश्योरेंस के नाम पर या तो मनी बैक पॉलिसी या एंडोमेंट, नहीं तो यूलिप ले लेते हैं। लेकिन इससे ना तो इंश्योरेंस का लक्ष्य पूरा होता है, ना ही सही निवेश हो पाता है। लोग बीच के में ही कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम इस शो में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इंश्योरेंस कितना जरूरी है और कौन सी पॉलिसी आपके लिए जरूरी है। और इस चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरीज हो, आप हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। टोल फ्री नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 01204258237, और इसके अलावा 1800180354। ये दोनों ही नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे। आप इस टोल फ्री नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ दीपक जी जुड़े हैं, माय इंश्योरेंस क्लब के सीईओ। सर, गुड इवनिंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब आज की जो चर्चा है वो लाइफ इंश्योरेंस पे हो रही है, लेकिन आप काफी समय से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? क्योंकि एक समय ऐसा था कि इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन था वो ज्यादा नहीं था, लेकिन अब क्योंकि सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, और अब जो लोग हैं वो भी सक्रिय हो रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर, तो अब इस तरह इस माहौल में आपको किस तरह का बिहेवियर दिख रहा है कंज्यूमर्स की तरफ से इंश्योरेंस को लेकर? तो काफी अवेयरनेस बढ़ा है पिछले 5 सालों में, मगर पेनिट्रेशन अगर देखा जाए तो अभी भी काफी कम है इंडिया में, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। कुछ लोग थे जो पहले अपने कंपनीज से कुछ कवर मिला रहता है तो उससे खुश रहते थे, मगर धीरे धीरे लोगों को लगने लगा है कि इंश्योरेंस के बिना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस में जब आजकल के खर्चे काफी बढ़ गए हैं। अगर आप नॉर्मल सा ट्रीटमेंट भी कराने जाएं तो आप चाहते हैं कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कराएं, सबसे अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, और वहां काफी एक्सपेंसिव होने लगा है, और काफी कंपनीज भी हेल्थ बेनिफिट्स को कम कर रहे हैं। अगर ग्रुप प्लान्स हैं तो आपके उसके पार्ट पेमेंट करना है। तो ट्रेंड है कि काफी लोग अभी खुद भी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना शुरू कर दिए हैं। तो अब काफी सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन आज जो हमारी चर्चा होगी वो खासकर लाइफ इंश्योरेंस पर हम डिस्कशन करेंगे और उस पर फोकस करेंगे। काफी तरह के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, इसमें टर्म इंश्योरेंस होता है, मनी बैक, एंडोमेंट प्लान, सब पर हम धीरे धीरे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे, कहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, कहाँ पर आप कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। लेकिन दीपक, आप हमें ये बताइए कि जब हम इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो चुनाव कैसे करें कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सही है? क्या क्या चीजें हैं जो दिमाग में रखने चाहिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते समय? पहले तो ध्यान देना चाहिए कि आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अक्सर ये होता है कि हम टैक्स सेविंग के लिए इंश्योरेंस प्लान्स खरीदते हैं जी। तो 1.5 लाख का हमें डिडक्शन के लिए दिया जाता है, एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं इनकम टैक्स के लिए। तो लोग क्या करते हैं कि वो 1.5 लाख पहुंचाने के लिए 50-60 हजार का एक कवर ले लेते हैं, और अगले साल और उसके बाद रियलाइज करते हैं कि इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। टैक्स सेविंग के लिए मैंने कर दिया क्योंकि मुझे उस साल में बेनिफिट मिल गया, मगर लेटर ऑन हर साल जब ये देना पड़ रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा प्लानिंग एडवांस में करें और टैक्स सेविंग के लिए सिर्फ ना करें। टैक्स सेविंग एक अच्छा इंसेंटिव है, मगर टैक्स सेविंग के लिए ना करें, सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए ना करें। तो पहला है कि अफोर्डेबिलिटी, आप ये हर साल या पॉलिसी का प्रीमियम टर्म जितना है उतना आप पे कर सकते हैं कि नहीं, वो चेक करें। दूसरा, आप चेक करें कि इस कंपनी का क्लेम्स रेशियो अच्छा है कि नहीं है। हालांकि अगर आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म भरे और सही भरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब एक हिस्ट्री है एक कंपनी का तो वो आप अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी जिसका 90% प्लस हो क्लेम्स रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, उस कंपनी के साथ जाए। और फिर आप चेक करें कि आप ये रिटर्न से हैप्पी है कि नहीं है। मतलब अक्सर आपको कुछ का जो सेल कर रहा है आपको बता दिया जाता है कि बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और आप ध्यान नहीं देते हो कि एक्चुअली में वो मिलेंगे कि नहीं। और आप जब 3-4 साल प्रीमियम भर देते हो तब आप रियलाइज करते हो कि इसमें तो कुछ मेरे एक्सपेक्टेशन के लायक रिटर्न्स नहीं है। तो अच्छे से जांच ले और
पहले पता करें कि इस प्लान से मिलता क्या है और फिर खरीदें। करेक्टली मेंशन सर, क्योंकि जब हम लेते हैं हम प्रोडक्ट तो खरीद के रख लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो जो सर्विसेज होती है वो फ्यूचर में देने वाली होती है, तो हम जब सब कुछ हो जाता है और जब मैच्योरिटी का टाइम आता है और जब ये होता है कि आप क्लेम कैसे करें प्रोडक्ट्स को, किस तरह का प्रोसेस फॉलो करें, तो उस पर आप क्या राय देंगे? एक जो थंब रूल होता है कि जब क्लेम करते वक्त इस तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करने चाहिए, और जैसा कि आपने कंपनी को लेकर भी बात की कि कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कौन से खराब है, क्योंकि हम नॉर्मली भी अगर एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, टैंजिबल प्रोडक्ट होता है, हम देख के समझ के उसको फील करके वो ले सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस जैसा इंटैंजिबल प्रोडक्ट वो किस तरह से लिया जाए और खरीदते समय क्या कंपनी की हिस्ट्री किस तरह से चेक करनी चाहिए और कैसा समझना चाहिए कि आगे जाके ये सर्विसेज देंगे अच्छे कि नहीं देंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक तो जो कंपनी का जो पॉलिसी ब्रोशर है उसको आप ठीक से पढ़ें। अक्सर ये होता है कि आप कहीं सुने, मतलब जो एडवाइजर आपको कह रहा है सिर्फ आप उसको मान के खरीद लेते हैं, वो कभी मत करो। आप पहले पॉलिसी ब्रोशर अच्छे से पढ़ें और समझें कि इसमें क्या कितना पैसा कब कैसे मिलेगा, तो वो अगर आप समझ जाए तो आपको कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। और दूसरा है कि आप मार्केट लिंक प्लान लेना चाहते हैं या ट्रेडिशनल प्लान लेना चाहते हैं जो स्टेबल रिटर्न्स देगा मगर लो रिटर्न्स देगा। मार्केट लिंक प्लान्स म्यूचुअल फंड्स की तरह है, आप जिस तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो हो सकता है कि बीच में आपका फंड वैल्यू कम हो जाए, मगर जैसे मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा फंड वैल्यू भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जी, तो रिक्वायरमेंट देखिए कि आपको कितने पैसे चाहिए, कब चाहिए, हाँ, ये प्लान आपको देता है कि नहीं है। तो तीन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डिस्कशन से निकल कर आए। पहला तो यह है कि अफोर्डेबिलिटी, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं जो भी प्लान आपने लिया है। दूसरा ये कि कंपनी का क्लेम रेशियो चेक करें, उसकी हिस्ट्री चेक करें, सिर्फ आंख बंद करके आप किसी भी कोई एजेंट अगर आ रहा है और आपको ऑफर कर रहा है आंख बंद करके वो प्रोडक्ट ना लें, और पॉलिसी ब्रोशर जरूर ठीक से पढ़े। ये तीन टेक अवे आते हुए इस डिस्कशन से। दीपक, अगर कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है, होल लाइफ पॉलिसी होता है, एंडोमेंट प्लान होता है, तो किस तरह के डिफरेंस हैं इन तीनों ही प्रोडक्ट में, और जब आपके पास भी काफी सारे क्लाइंट्स आते होंगे तो आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स में से क्या सजेस्ट करते हैं, आपका फेवरेट कौन सा है, और एक एक करके इन तीनों प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस समझाएं प्रीमियम वे में भी, और किस तरह के बेनिफिट्स इन तीनों ही प्रोडक्ट से मिल सकते हैं? तो ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरीके के प्लान होते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस, जो एक्चुअली द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस होता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि हर एक इंसान टर्म इंश्योरेंस ले, अगर उनके पास कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट पीपल हो तो जरूर टर्म इंश्योरेंस ले। अराउंड 15 टाइम्स योर एनुअल इनकम का कवर अमाउंट लें। तो मान लीजिए आपका इनकम 5 लाख है सालाना, तो 75 लाख का एक कवर ले लें। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, बहुत ही अफोर्डेबल है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, खुद अपना ऐप फॉर्म भरें, करेक्टली भरें, उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं दें, अपना हेल्थ डिक्लेरेशन ठीक से करें, और अगर टेस्ट के लिए जाना हो मेडिकल टेस्ट तो जाएं और एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस प्लान ले, ये सबसे जरूरी है। 75 लाख का कवर आपको 6-7 हजार में मिल सकता है, अगर एक 30 साल का हेल्दी इंडिविजुअल हो। 6-7 हजार साल का बहुत ही कम अमाउंट होता है एक 75 लाख के कवर के लिए। तो उसके बाद होते हैं एंडाउमेंट प्लान्स। एंडाउमेंट प्लान्स टिपिकली इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं जिसमें आप पैसा भरते जाते हो, और या तो आपको टर्म के बाद पूरी तरह पैसा वापस किया जाता है विद सम रिटर्न्स, या फिर उसका एक वेरिएंट होता है मनी बैक, कि हर 5 साल या हर 3 साल या एक फ्रीक्वेंसी में आपको थोड़े पैसे वापस भी किए जाते हैं। और फिर छोटे मोटे टेक्निकलिटीज हैं कि पार्टिसिपेटिंग प्लान है या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। पार्टिसिपेटिंग प्लान में क्या होता है कि कंपनीज बोनसेस डिक्लेयर करते हैं और उसके हिसाब से आपको थोड़े बहुत पैसे दिए जाते हैं। दूसरे प्लान्स हैं जिसमें फिक्स्ड रिटर्न है, आपको पहले से ही पता है आपको क्या मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। ट्रेडिशनल प्लान्स में रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं। तो ब्रॉडली यही डिफरेंशिएशन है। ओके, और प्रीमियम वे में सर, टर्म में शायद कम प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन अगर आप एंडोमेंट प्लान की तरफ जाते हैं तो आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो एंडोमेंट काफी महंगे होते हैं, अगर आप कवर की तरफ देखो
क्योंकि टिपिकली कंपनीज बहुत कम का मल्टीप्लायर लगते हैं, तो मान लीजिए आप साल का अगर 50,000 दे रहे हो तो आपको 20 टाइम उसका कवर मिलता है, तो वो एक्चुअली 10 टाइम का कवर रहता है, मतलब 50,000 दे रहे हो तो आपको 5 लाख का कवर ही मिलता है, तो वो कोई अट्रैक्टिव इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। एक तरफ टर्म इंश्योरेंस प्लान्स है जहां आप 6,000 दे के 75 लाख का कवर ले रहे हो, और दूसरी तरह इन्वेस्टमेंट प्लान्स है जहां 50,000 दे के 5 लाख का कवर ले रहे हो, तो वो काफी कम हो जाता है, बट लोग टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट के एंगल से करते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, काफी रिस्की समझते हैं, और उनको इंश्योरेंस काफी सेफ बेट लगता है, तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो अभी भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान्स के थ्रू करते हैं, तो ट्रेडिशनल प्लान्स उनके लिए बहुत काम आता है। ओके दीपक, हमारे साथ काफी सारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। अलका जी ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। अलका जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सर। जी पूछिए, क्या जानना चाह रही हैं आप? हेलो। हाँ जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहिए आप? हमारे एक्सपर्ट आपको सुन रहे हैं, पूछिए। हाँ सर, मैं ये आपसे कहना चाहती पूछना चाहती कि मैंने ना 2007 में ना LIC ली थी। अच्छा। हाँ तो वो ना मेरी मतलब एजेंट ने ना अपने आप ही वो 2007 में LIC के बॉन्ड निकले थे ना कि 15-20 साल के शेयर बाजार वाले। जी जी। तो उन्होंने ना अपना अपना उसको बंद कर दी 2013 के अंदर अपने आप ही बंद कर। हाँ जी, ना कुछ बताया ना कुछ करा, तो अब वो हमारी बंद पड़ी है, मैं उसको चालू करा सकती हूँ या नहीं करा सकती हूँ? आपने अपने एजेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, कांटेक्ट करते थे तो उसे कहता कि कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, उसने ये कह के छोड़ दिया। तो मेरे को MBA के लिए बच्चे की फीस की जरूरत पड़ी ना, तो तब मैंने कहा भी मेरे LIC के जो पैसे वैसे आने वो बता दो, कह रहे ना अभी नहीं आ रहे, ये तो बंद पड़ी है तुम्हारी, मेरे को उसने फिर इस तरह से धोखा दे दिया। ओके दीपक, आपने इनका सवाल सुना, इनको तो एजेंट्स की तरफ से काफी बड़ा एक गड़बड़ कर दिया उनके लिए, उनको जब पैसे की जरूरत थी तो मिल नहीं पाए उनको, तो ऐसे में ये क्या कर सकती है, क्या स्टेप्स ले सकती है ये? तो ये प्लान को रिवाइव कर सकते हैं, लोकल जो ब्रांच है LIC का वहां जाए और प्लान को रिवाइव करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि जो प्रीमियम्स ड्यू है वो पे करना पड़े और इंटरेस्ट भी वो चार्ज करेंगे। अगर सिंगल प्रीमियम प्लान खरीदा है तो डिपेंड करता है कि आपने पेमेंट कितना किया और आपको उसका एक पार्ट वापस मिल सकता है। थोड़ा और प्लान्स के डिटेल जानना पड़ेगा तभी हम बता सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल है या यूलिप है, सिंगल प्रीमियम है या रेगुलर प्रीमियम है। मगर मेरा सुझाव यही रहेगा कि अपने करीबी LIC के शाखा में जाए और उनसे बात करें और अपने एजेंट से ना बात करें, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि क्या हो सकता है प्लान के बारे में। अच्छा सर, एक बात और पूछनी थी, क्या ऐसे कभी LIC के दफ्तर से फोन आता है कि भाई आपकी जो ये मनी ये जो LIC बंद पड़ी है उसका जो वो होता है प्रीमियम बंद हुए का कि वो आपका वापिस आ रहा है, ऐसे हो सकता है? तो वापिस आने का LIC के ऑफिस से ऐसा कॉल आना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है कि कोई एजेंट को आपका इन्फॉर्मेशन मिला और वो कॉल कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप LIC ब्रांच में जाके सीधा फेस टू फेस बात करें तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर ये क्लियरली एजेंट की तरफ से गड़बड़ी दिखाई दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं वो इस तरह के कॉल्स करते हैं और इस तरह की मिस सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहिए। और अच्छा यही होगा कि आप प्रॉपर रिसर्च करें, खुद से भी प्रॉपर बात करें, कंपनी से डायरेक्ट बात करें, बेहतर तो वही होगा, और ब्रांच जाकर खुद ही इस तरह की रिसर्च करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक एजेंट के ऊपर सब चीज पूरी तरह से छोड़ने से यहाँ पर इसी तरह का नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ये तो थी अलका, आई होप आपको अब कुछ सॉल्यूशन मिला होगा और आपको LIC ब्रांच जाने की यहाँ पर सजेशन दिया गया है। सर, ये तो बात हुई कुछ ट्रेडिशनल प्लान की, लेकिन इस टाइम एक और प्रोडक्ट है जिसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं, यूलिप। इसके बारे में डिटेल्स बताइए और इसका क्या क्या फायदा होता है? काफी तरह के टैक्स बेनिफिट यूलिप में भी, अगर आप निवेश करें, अगर जिनको निवेश करना है वो यूलिप भी एक जरिया है जिसके जरिए वो इंश्योरेंस और साथ ही साथ निवेश दोनों का ही बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए किस तरह से और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो जहां पर आप सजेस्ट करेंगे। तो यूलिप्स काफी ट्रेडिशनल प्लान्स की तरह नहीं है जहां आपको रिटर्न्स बहुत ही कम मिलते हैं। यूलिप्स में
रिटर्न्स के चांसेस काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आप 5 साल या 10 साल तक रेगुलरली मंथली या एनुअली इन्वेस्ट करते रहें, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप मंथली मोड में करें, तब आप एक छोटा छोटा अमाउंट करके आप एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। और उसमें फर्क सिर्फ यही है कि जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं वो बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब इतना सेफ होता है तो उसके रिटर्न्स भी बहुत कम होते हैं। यूलिप्स में इक्विटी मार्केट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जैसे आप इक्विटी मार्केट की तरफ जाएंगे तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, मगर अगर आप 5-10 साल करो तो आपके चांसेस हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और आप ये कंट्रोल भी कर सकते हैं कि अभी आपको लग रहा है कि रिस्की है तो आप इक्विटी से हटा के बॉन्ड्स में डाल दीजिए, तो वो सारा कंट्रोल आपके पास है, प्रिटी मच एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। और इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो यूलिप्स की तरह थोड़ा ध्यान दें। थोड़े रिस्की है मगर लॉन्ग टर्म में आपको मच बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। इसमें भी आप लो चार्जेस वाले यूलिप्स में जाए तो HDFC का एक क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान है जिसमें 0 प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है। एगॉन रेलिगेयर का आई मैक्सिमाइज प्लान है। SBI का ई इन्वेस्ट प्लान है, आई फॉरगेट द नेम एग्जैक्टली। तो 3-4 प्लान है जो मार्केट में जो नॉट ऑलमोस्ट 0 प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस के हैं, तो काफी अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आप नॉर्मल यूलिप्स जो बाकी कंपनीज करते हैं उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको जरा अवॉइड करें। तो 0 प्रीमियम चार्जेस होते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट किए हैं, HDFC एकॉन का आई मैक्सिमाइज और SBI का एक यूलिप प्लान सजेस्ट किया है दीपक ने। दो प्रीमियम का कुछ हिस्सा यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में निवेश किया जाता है और बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। तो आप निवेश करना चाह रहे हैं तो यूलिप एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से, संजय जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार संजय जी, पूछिए। चलिए उनका सवाल ले लेते हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपक, इनकी जो एज है 46 इयर्स के हैं और ये अपने लिए टर्म प्लान जानना चाह रहे हैं, कौन सा टर्म प्लान इनको सजेस्ट करेंगे? उम्र करीब 46 इयर्स की है इनकी। तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, तो आप मतलब प्रीमियम बहुत ही लो से लेके मीडियम तक काफी रेंजेस में विथ राइडर्स, मंथली इनकम, लमसम पेमेंट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। अच्छे ऑप्शंस जो अच्छे क्लेम्स रेशियो के साथ हैं वो HDFC, ICICI Prudential, मैक्स, ईडलवाइज का एक अच्छा प्लान है। तो काफी ऑप्शंस हैं मार्केट में जो ले सकते हैं और बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे आपको। 46 अगर इयर्स है तो अराउंड 50 या 1 करोड़ का कवर ले सकते हैं, अराउंड 20,000 के रेंज में इनका सालाना प्रीमियम होगा। दीपक, एक और सवाल था, क्या होता है कि जब हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज एक स्टूडेंट है, उसने एक इंश्योरेंस प्लान ले लिया है, लेकिन अब आगे आगे जैसे उसकी ज़रूरतें सामने आती हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, आगे का बच्चे होते हैं, शादी होती है, गोल चेंज होते हैं, तो ऐसे में क्या उसके लिए, उसके सामने क्या ऑप्शन होगा? क्या वो स्विच कर सकता है अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को? जैसे कि एक प्लान में वो है तो क्या वो दूसरे प्लान में आसानी से जा सकता है, और इसका क्या प्रोसेस होता है? लाइफ इंश्योरेंस में आप एक नया प्लान ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक 25 लाख का कवर है, आपका इनकम कम था, तब आपने एक 25 लाख का कवर लिया, फर्स्ट जॉब था। उसके बाद मान लीजिए 5 साल बाद आपका इनकम काफी बढ़ गया, तो आप एक दूसरा कवर ले लीजिए। आप अगर चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रीमियम नया प्लान में काफी सस्ता मिल रहा है तो आप ये पुराना प्लान बंद कर सकते हैं और एक नया प्लान ले सकते हैं जो 50 लाख का हो या 60 लाख का हो, या फिर आप ये 25 का कंटिन्यू करें, क्योंकि जनरली आप जो यंगर एज में प्लान्स लेते हैं वो काफी सस्ते होते हैं। दीपक जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं और टर्म प्लान पे काफी सारी क्वेरीज आ रही है हमारे पास। उदयपुर से हमारे साथ उमेश जी जुड़े हैं। उमेश जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी एज 36 ईयर। ओके। मैं मतलब ईयरली इनकम है 3.5 लाख। ठीक है। और मैं टर्म प्लान लेना चाहता हूँ। ओके। दीपक, आपने इनको सुना होगा, इनकी एज जो है वो 36 साल है और जो एनुअल इनकम है वो करीब 3.5 लाख की है और ये अपने लिए कुछ टर्म प्लान लेना चाह रहे हैं, तो कौन सा सजेस्ट करेंगे आप?
तो ऑलमोस्ट सारे कंपनीज इनको ऑफर करेंगे टर्म प्लान्स और काफी अट्रैक्टिव प्रीमियम रेंजेस भी हैं. तो आई वुड रेकमेंड फर्स्ट ये थोड़ा एक कंपैरिजन साइट में चले जाएं और चेक कर लें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं. मगर मैं आपको अभी कुछ ऑप्शंस दे देता हूं. ये थोड़ा HDFC का एक क्लिक टू प्रोटेक्ट है, HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D प्लस प्लान है, मैक्स लाइफ का OTP ऑनलाइन टर्म प्लान है, एगोन रेलिगेयर का आई केयर प्लान है, एडलवाइज का OTP प्लान है. तो काफी ऑप्शंस हैं जो आज मार्केट में हैं, जो प्रीमियम नो बहुत ही सस्ते से लेके मीडियम रेंज तक आता है और सारे अच्छे कंपनीज हैं जिनके क्लेम रेशियो 90% से अच्छे हैं. आप राइडर्स का भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको चाहिए या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर. तो ऑप्शंस हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ प्रीमियम ना देखें, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं. ये भी कर सकते हैं कि एक लमसम बेनिफिट लेना चाहे तो वो कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक मंथली इनकम, मान लीजिए लमसम अगर किसी को मिले तो वो काफी झगड़ा हो सकता है घर में कि वो पैसे के लिए, एक मंथली इनकम ऑप्शन भी कर सकते हैं. आप 50,000 रुपए हर साल या हर महीने आपके नॉमिनी को मिले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए. तो काफी ऑप्शंस हैं आज मार्केट में. तो पहले थोड़ा रिसर्च कर लें और फिर सेलेक्ट करें. ओके सर, एंडोमेंट प्लान का एक और वेरिएंट है मनी बैक पॉलिसी, वो इससे कितना डिफरेंट है या इसके क्या क्या फायदे हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो मनी बैक प्लान के बारे में. तो मनी बैक में एक ही एडवांटेज है कि आपको रेगुलरली कुछ कुछ पैसे वापस किए जाते हैं. एंडोमेंट में आपको सारा पैसा एंड में दिया जाता है. तो मान लीजिए आपके कोई जनरली अगर कोई फैमिली में बच्चे हो तो मनी बैक प्रिफर किया जाता है कि आपको, आप प्रीमियम पे कर रहे हो, 5 साल बाद आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद और 5 साल बाद और थोड़े पैसे आ जाते हैं. तो थोड़ा लिक्विडिटी सिनेरियो बेटर हो जाता है. मान लीजिए आप 15 साल का खरीद रहे हो तो 15 साल बाद पैसे मिलेंगे वो थोड़ा मुश्किल सा है. यहां है कि आपको हर 5 साल में कुछ कुछ पैसे वापस मिलते जाते हैं. यही फर्क है एंडोमेंट और मनी बैक प्लान्स में. सर, कभी कभार क्या होता है कि एजेंट जो है वो नॉन वर्किंग वुमेन को भी टर्म प्लान बेचने की कोशिश करते हैं. हमने काफी सारे सिनेरियोस देखे हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी तो कोई इनकम है नहीं, वो नॉन वर्किंग है, उनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है, तो क्या उनको लेना चाहिए इस तरह की प्रोडक्ट्स? तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है आज के दिन फॉर लेडीज हु आर नॉट वर्किंग, टर्म प्लान ऑप्शंस है नहीं. और बेसिकली इंडिया में अब सिचुएशन ऐसा है कि इनकम प्रूफ चाहिए होता है अगर आप टर्म प्लान देते हो. तो कुछ कुछ कंपनीज हैं जैसे मेटलाइफ का, PNB मेटलाइफ का एक ऑप्शन है जिसमें हस्बैंड अगर कवर ले रहा हो तो वाइफ को भी ऐड कर सकता है उसमें. बट स्टैंड अलोन टर्म प्लान्स फॉर विमेन हु आर नॉट वर्किंग वो आज के दिन मार्केट में नहीं है. तो जनरली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनको इनकम डॉक्यूमेंट्स कुछ होंगे नहीं, तो गलत तरीके से आप ले रहे होंगे अगर आप आज के दिन लेना चाहे तो. तो इस तरह के प्लान्स को पूरी तरह से अवॉइड करें. दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम सवालों का जवाब भी देने के लिए. और उम्मीद है कि आज के जो इस चर्चा है उससे आपको भी फायदा मिला होगा और जो भी आपके मन में इंश्योरेंस को लेकर सवाल है उनका जवाब भी मिला होगा. मनी गुरु के इस खास एडिशन को यहीं समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन कुछ और खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ. नमस्कार.